यार इतने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, आर यू श्योर कि इनसे कोई काम मिलेगा? बड़े भाई ग्रुप्स होते ही फिर ताकि काम मिले। साला एक महीना हो गया ग्रुप्स ज्वाइन किए, अभी तक अपने टाइप कोई काम ही नहीं मिला। जिसे देखो अपने प्रमोशंस पोस्ट कर रहा है। हार मत मान भाई, कब से कब पलट जाए क्या पता। अबे मक्कड़, अबे सुनना, अबे गेम छोड़, ये देख फिल्म फेस्टिवल। हेलो, हाँ राजुल, क्या काम मिल गया? कौन सा काम, जल्दी बताओ। ऑसम यार, सही है, बताओ फिर कब से शुरू करना है? ओ अच्छा, उसके लिए तो टाइम भी बहुत कम बचा है फिर। चलो एक काम करो, तुम गच्चू को इन्फॉर्म करो, तब तक मैं जल्दी से आती हूँ, ठीक है? हाँ ओके बाय। जहर है, भैया नमस्ते। भैया मैं बस अभी 2 मिनट में आ गया, शहर डाल के आ गया अभी। पर यार हम इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट करने वाले हैं? बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। दी मैं क्या कह रहा था, राजुल भैया वाली बच्ची वाली स्क्रिप्ट है ना, वो बहुत अच्छी है, उसे बनाते हैं। यार पर बच्ची लाएंगे कहाँ से, और जो उसे सोशल टॉपिक पे एक्टिंग कर सके। बच्ची की छोड़ो यार, बच्ची की माँ के रोल के लिए किस लड़की को लेकर आओगे? दीदी माँ का रोल आप कर लो ना। नहीं यार, ये एक्टिंग मुझसे नहीं हो सकती, मैं एडिटर ही ठीक हूँ। और यार वैसे भी ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए। और वैसे भी यार गच्चू मेन लीड में, मैं बच्चे की कम इसकी मैं ज्यादा लगूंगी। अरे दीदी मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई थी ना वो वाली, वो करते हैं। नहीं यार वो सोशल नहीं है, ऐसे फिल्म फेस्टिवल में ना सोशल मूवीज ही जाती है। अरे यार मैं क्या कह रहा था, बच्ची वाली करते हैं। हेलो आंटी, आंटी मैं ये कह रहा था कि हम ना एक शूट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक बच्ची चाहिए, कम से कम 5 या 6 साल की। हाँ क्या यार, हमें कॉन्सेप्ट तक नहीं सोच पा रहे हैं। दी कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हैं, पर उन्हें शूट करके एडिट करने में 1 हफ्ता निकल जाएगा। क्या यार, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छा आउटपुट दे सके? एक जगह है जहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिल सकता है। कहाँ से? पंडित जी। पंडित जी ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये हमारे एडिटर, और मेरा तो आपको पता ही है, मैं कैमरा सिनेमाटोग्राफर हूँ। अंकल जी एक काम करो, आप ना एक छोटी बच्ची करा दो और एक उसकी माँ करा दो। बाप तो मैं बन ही जाऊंगा। और वो हमारा एक्टर है, पूरा जय देवगन उतार देता है। तो बेटा हमसे क्या चाहते हो? पंडित जी हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता दें जिस पे हम फिल्म बना सकें, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, वो भी जल्दी के जल्दी। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? क्रिएटिविटी है, सिर्फ क्रिएटिविटी। जिस तरह से ज्यादा दिन गाड़ी को ना चलाने पर उसमें जंग लग जाती है, उसी तरह से ज्यादा दिन दिमाग ना चलाने पर उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। समझे? नहीं समझे? चल हम समझाता हूं। किसी भी कॉन्सेप्ट को सोचने के लिए माइंड का शार्प होना बहुत जरूरी है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ 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 कैसे नहीं है। कॉन्सेप्ट एक फिल्म का अहम हिस्सा होता है ना? कॉन्सेप्ट के बिना किसी भी फिल्म को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। समझ रहे? नहीं समझ रहे? समझाएं, फिर तो समझाएं हम। पंडित जी, हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता दें जिस पर हम फिल्म बना सकें। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट? क्रिएटिविटी। कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिविटी है। जिस तरह से गाड़ी को ज्यादा दिन ना चलाने पर उसमें जंग लग जाती है, उसी तरह से ज्यादा दिन दिमाग अगर ना चले तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज क्या यार, ना तो कोई अभी तक बच्ची मिली और ना ही कोई लड़की। क्या यार, आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया और वो पंडित भी पकाऊ निकला। यार 2 दिन बचे हैं और अभी तक कोई कॉन्सेप्ट भी तैयार नहीं है। यार कोई भी कंसेप्ट हो, हर कंसेप्ट में तो लड़की चाहिए, वो तो है नहीं। भैया मैं क्या कह रहा था, बच्ची वाली स्क्रिप्ट है ना, उसको करते हैं। अबे यार क्या यार, सही तो कह रहा हूँ। भैया उस लड़की को देख रहे हो, इधर ही देख रही है, उसे ले ले काम में। पागल है क्या? ऐसे थोड़ी ना किसी को भी सड़क से उठा के एक्टर बना सकते हैं। हे कुछ नहीं होता यार। गच्चू। हाँ भैया, हर जगह गच्च नहीं करते। एक तो साला कंसेप्ट डिसाइड नहीं हुआ है, ऊपर से बंदे के ड्रामे अब खत्म नहीं हो रहे हैं। गाइस टाइम वैसे ही निकल रहा है, तो अपनी फालतू की बकवास छोड़ के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये बात तो पक्की कि हर स्टोरी के लिए हमें एक एक्ट्रेस चाहिए, तो पहले अपने सोर्स लगा के एक लड़की फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरी साथ साथ फाइनल कर लेंगे। गुड आइडिया। मैं एक काम करता हूँ, एफबी ग्रुप में डालता हूँ कि वी नीड अ फीमेल एक्टर, कोई ना कोई तो कॉन्टेक्ट करेगा ही। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं भी अपने फोन से पोस्ट करती हूँ। भैया बच्ची, हमने पोस्ट तो कर दिया है, पर क्या कोई एक्ट्रेस हमारे साथ फ्री में काम करने के लिए रेडी होगी? देखते हैं ना दीदी, कोई तो आर्टिस्ट होगी जिसके लिए काम मैटर करता होगा और पैसे नहीं। भैया भैया बच्ची उठा ले, बच्ची। देखते हैं यार, अपनी किस्मत कभी तो अपना साथ देगी। अरे पीछे बच्ची है। यार इतनी देर हो गई है, अभी तक तो किसी का कॉल नहीं आया, और ये गच्चू का चला गया है। बोल कर गया है, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। एक तो लड़की वैसे नहीं मिल रही, ऊपर से जब सब कुछ हाथ में होना चाहिए तब गच्चू पता नहीं कहाँ भाग गया। क्या यार, गाइस गाइस किसी का कॉल आ रहा है, अननोन नंबर से, ट्रू कॉलर पे प्रिया लिखा आ रहा है। हेलो, या या प्रिया, यस 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 यस, आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस। या नो 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 नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या यार, इन्वेस्टमेंट वाली का कॉल था, इन्वेस्टमेंट प्लान बता रही थी। यार ऐसे ना हम कभी कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। भैया भैया दीदी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? अरे भैया रामलीला। रामलीला? अरे पास के बाजार में जो रामलीला लगी है ना, उसमें जो सीता है उसका जुगाड़ निकाल के लाया हूँ। हमारे साथ काम भी करेगी और बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत अच्छी। पर क्या वो फिल्म में एक्टिंग कर पाएगी? अरे 100% भैया, 100%। मैं पिछली बार गया था ना रामलीला देखने, बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और हमारे साथ काम भी कर लेगी। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, बस आप एक बार मेरी बात मान के चल लो। अरे दीदी चल लो ना प्लीज, एक बार चल लो, बस एक बार, फिर मत चलना चाहे, एक बार चल लो आप। भैया चल लो ना, भैया चलो यार। अब ये सीता कहाँ चली गई यार? रावण से पूछता हूँ। रावण, रावण यार, हम कर क्या रहे यहाँ पे यार? हम फिल्म मेकर्स है, कोई नाटक नौटंकी वाले नहीं। नाटक नौटंकी तो ठीक है यार, पर रामलीला, रामलीला में कौन आता है? अरे यार मैं बता रहा हूँ, ये गच्चू की गच्चागच की ओर से अपना लंका दहन हो जाएगा। पर ये रामानंद सागर की औलाद है कहाँ पे? अबे वो रहा, लेकिन ये रोती हुई शक्ल बना के क्यों आ रहा है? क्या हुआ यार? मुझे तो लगा ये सुंदर कांड है, लेकिन ये तो किष्किंधा कांड निकला। क्या मतलब? मतलब सीता नहीं मिली। क्या सब लोग चले जाएं? गाइस मुझे तो कंपटीशन हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बस कुछ ही टाइम बचा है और हमने स्क्रिप्ट तक डिसाइड नहीं करी है। यार दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर में जाए फीमेल एक्टर दो लड़कों के बारे में सोचते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, हटा इसके साथ। मुझे लगता है ये ठीक कह रहा है। चलो ये भी सही है। भैया मैं क्या कह रहा था? चुप, अब तो कुछ नहीं कहेगा। हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें क्या करना है। हेलो, हाँ हाँ बोल रहे, ठीक, जी 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 जी, हाँ जी चाहिए चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एड्रेस भेजता हूँ ना आपको, एड्रेस भेजता हूँ मैं आपको, पूरी स्क्रिप्ट भी भेजता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, ओके बाय 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 बाय। क्या हुआ? दीदी एक लड़की है, ठीक है, दीपिका नाम है, बोली एक्टिंग करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो रेडी होते हैं, रेडी होते हैं। बोला था कितना चमकेगी। भाई तूने एड्रेस तो सही सेंड किया था ना? अरे हाँ रे भाई, मैंने बोला था कि हनुमान पार्क पहुंच जाएगी और फिर मुझे कॉल करेगी ताकि मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। अबे आ गई या दीपिका, यस यस या, व्हाट बट व्हाई? हे यार लेकिन यार शूट है यार। हेलो हेलो यार सुनना, हेलो क्या हुआ? भाई क्या हुआ बोल ना। अबे क्या होगा, नहीं आ रही है। पर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसके मामा उसके घर आ गया, उसकी मम्मी मना करे कि वो नहीं आ सकती। क्या यार, फिल्म सबमिशन का टाइम भी खत्म हो गया है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? इतने दिन बाद एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। यार कभी कभी मुझे लगता है हमने फिल्म लाइन ही गलत चूज कर ली। कितना मुश्किल है फीमेल एक्टर का मिलना, और ये हमारी नहीं सभी फिल्म मेकर्स की यही प्रॉब्लम है। यार बात जानते हो क्या है, इस लाइन में लड़कियों की कमी है, और जो थोड़ी बहुत लड़कियां हैं वो सारी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतने बहाने मारती हैं। आज मुझे उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है जो बच्चे पैदा होने पे उसे मार देते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे, कि लोगों की सोच थोड़ी सी तो खुले। क्या हुआ?